हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री डिश डीटीएच सिस्टम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ वो है पाक सेट को 38 डिग्री को मैं कैसे ट्रैक करना है। दोस्तों उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों तो ये मेरी डिलीवरी डिश पर लगी हुई है और ये मैंने 38 डिग्री पर ट्रैक किया उसको। दोस्तों तो ये देख लीजिए मेरी जो डिश है वो कैसी सीधी है और ये एलएनबी देखिए पोजीशन कैसे रखी है मैंने, सेम पोजीशन रखी है ठीक है। और ये देखिए पोजीशन मेरी दूसरी एलएनबी ठीक है, दोनों एलएनबी में फ़र्क है। देखिए ये एलएनबी डीडी फिटिश की है ठीक है, सिग्नल लगा हुआ है। और ये है हमारी ये देखिए पाक सेट की ठीक है, एलएनबी स्क्रू है। और दूसरा आप यहाँ से इसको डिश का जो साइज़ देखो कैसे बिल्कुल डिश खड़ी है, लगभग डिश खड़ी है ठीक है, ऐसे रखना है। और ये मैं इसको नज़दीक से आपको एक बार दिखा देता हूँ ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों। मैं इसके इसका भी आपको सिग्नल भी बताने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए कितनी मैंने यहाँ पर देखी, बिल्कुल कम है स्पेस, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, मैंने इसको डिश को काफ़ी नीचे रखा हुआ है, मतलब डिश सीधी खड़ी हो गई ठीक है ना। तो ये देखिए ये 38 डिग्री है ठीक है, ये 38 डिग्री है और ये हमारी डीडी फी डिश, इसका मुंह इधर को है ठीक है। तो मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लगभग ये देखिए ज़मीन से इतना ऊंची है और इसका एलएनबी स्क्रू कैसा है ये देख लीजिए आप ठीक है। दोस्तों ये एलएनबी स्क्रू है और जब भी कोई आप सैटेलाइट ट्रैक करने जाओ तो दोस्तों आपके पास 3-4 टीपी होनी चाहिए ठीक, 3-4 टीपी से कम 2-3 या 2 टीपी भी काम करे तब भी अच्छा है। तो टीपी अपने पास 2 से ज़्यादा रखे करिए तो आसानी हो जाती है डिश ट्रैकिंग करनी। तो जल्दी से मैं आपको वो भी दिखा दूँ उसका सिग्नल मुझे कितना मिल रहा है अभी ठीक है। इसका सिग्नल कितना मिल रहा है दोस्तों, आप तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। मेरी बैटरी भी बिल्कुल लो है, ख़त्म भी हो चुकी है लगभग, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको उसका सिग्नल बताता हूँ पाक सेट का। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, चार टीपी में यहाँ हर पर रखता हूँ दोस्तों। एक टीपी काम नहीं करती, दूसरी करती है, तीसरी नहीं करती, चौथी करती है ठीक है। ये देखिए अभी देख, ये देखिए दोस्तों ठीक है, 74-75 सिग्नल मिल रहा है मुझे इस वक्त। ये टीपी है स्ट्रॉन्ग टीपी, इसको नोट कर लीजिए, इस टीपी को नोट कर लीजिए 111-04 वर्टिकल 0-38-13 ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हो ना, तो ये सबसे बढ़िया टीपी है स्ट्रॉन्ग, मुझे इतना मिल रहा है दोस्तों मेरे लोकेशन पर ठीक है। तो कुछ और टीपी भी ट्राई कर लेते हैं, ये शायद चल दे क्योंकि इसमें टीपी चेंज होती रहती है दोस्तों, इसका एक ये प्रॉब्लम है। अभी मुझे कुछ देर पहले यहाँ से सिग्नल मिल रहा था तो यहाँ पर नहीं हुआ। मैं टीपी देखो मैं हमेशा ज़्यादा रखता हूँ अपने पास ठीक है, 2 टीपी से मैंने ट्रैक किया था, एक का सिग्नल बहुत कम आ रहा था ठीक है। तो फिर मैं अलग अलग टीपी से ट्राई करता हूँ। ये देखिए ये देखिए ये वही टीपी है, तो ये टीपी सबसे बढ़िया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए ठीक है। इस टीपी से मैं पाक सेट 38 डिग्री को ट्रैक किया है, ये देखिए। और ये हमारी है डीडी फिडिश और ये है पाक सेट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जो बताना है, अगर कोई डिश संबंधी आपको कोई जानकारी चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, हर मैं कमेंट का जवाब देता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं ठीक है। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाता हूं और आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। तो प्लीज़ ठीक है, आपसे गुजारिश है तो मुझे जी भर के सपोर्ट कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और बड़ों का खास ख्याल रखिए इस गर्मी में। चलिए चलता हूँ, धन्यवाद।